Greetings of the day to all my learners, viewers. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. Today we will take a very interesting and short topic, criteria and norm referenced test. Okay, so let's start. First of all, I have to explain it in Hindi for my Hindi learners too. सबसे पहले क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में. ये बीए के सिलेबस में होता है, एमए के सिलेबस में होता है, बीएड के सिलेबस में होता है और एमएड के सिलेबस में भी होता है. तो बहुत वाइडर इसकी रेंज है. दूसरी बात, इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो बहुत आसान है और आप इसको लिख पाएंगे. दूसरी बात, इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अगर हमको कंसेप्ट समझ में आएगा तो हम सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और गलती नहीं करेंगे. तो क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसकी जरूरत कब पड़ती है पढ़ने की? जब हम असेसमेंट पढ़ते हैं, जब हम इवेल्युएशन पढ़ते हैं, जब हम टेस्टिंग पढ़ते हैं, तो जानना शुरू करते हैं क्या है ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. क्या है? अ टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट का वो प्रकार दैट असेसेस द टेस्ट टेकर्स एबिलिटी, जो कि टेस्ट देने वाले की योग्यता को जांचता है. क्या, किस लिए जांचता है? टू अंडरस्टैंड अ सेट करिकुलम, एक सेट पाठ्यक्रम की उसको कितनी समझ है ये जांचता है. इन दिस टेस्ट अ curriculum is set with beginning of the class which is then explained by the instructor. इसमें क्लास के पहले ही करिकुलम सेट कर दिया जाता है, मतलब टेस्ट के पहले ही वो पाठ्यक्रम सेट होता है जिस पर कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको निर्देश दे दिए जाते हैं. एट द एंड ऑफ द लेसन, जब पाठ खत्म होता है, द टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मच डिड द टेस्ट टेकर अंडरस्टैंड. और जब टेस्ट पाठ खत्म हो जाता है तो जो टेस्ट क्यों लिया जाता है, ये जांचने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए आप उस पोर्शन को कितना समझ पाए हैं. It means that we are referencing how test taker score compares to a criteria such as the cut score or body of knowledge. इसका मतलब कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, हम टेस्ट टेकर के स्कोर को, मतलब जो स्टूडेंट है उसके स्कोर को कंपेयर करना चाह रहे हैं किससे? एक क्राइटेरिया से जो कि हमने सेट कर रखा है. वो क्या हो सकता है? एक कट स्कोर हो सकता है, कट आउट हो सकता है, या एक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब इतना पार्ट ये हो सकता है या इतने नंबर ये हो सकता है. यानी कि हमको आपके नंबर को, स्टूडेंट के नंबर को एक सेट क्राइटेरिया से हमको कंपेयर करना है. तो अभी एक और एक्सप्लेन हो जाएगा, आगे देखते हैं कैसे इसको इंटरप्रेट करना है. इट कंपेयर्स अ पर्सन्स नॉलेज और स्किल्स अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, लर्निंग गोल, परफॉर्मेंस लेवल और अदर क्राइटेरिया. मतलब कि हमको स्टूडेंट की नॉलेज को, पर्सन की नॉलेज को, उसके स्किल को, उसके कौशल को जज करना है एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट. यानी कि वो स्टैंडर्ड जो पूर्व निर्धारित है, जो पूर्व सुनिश्चित है, वो स्टैंडर्ड, वो गोल, वो परफॉर्मेंस लेवल या कोई भी अदर क्राइटेरिया. Okay, these tests often use cut scores to place students into categories such as basic, proficient and advanced. यानी कि ये वो टेस्ट हैं जिन कट स्कोर्स के हिसाब से हम स्टूडेंट को प्लेस कर सकते हैं कि आप बेसिक लेवल में हैं, आप उससे बेहतर किया, तो प्रोफिशियंट लेवल में आपने उससे भी बेहतर किया, तो एडवांस्ड लेवल में. देन हेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स डज नॉट अफेक्ट अ स्टूडेंट स्कोर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो टेस्ट टेकर है उसकी परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के स्कोर बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते, इंटरप्रेट नहीं करते. ये बात एक खास ध्यान देने की है इसमें. अभी इसको मैं समराइज कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा. और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अथॉरिटी, अथॉरिटी का संबंध यहाँ वैलिडिटी से है, यानी कि वो ये वही नाप रहा है जिसको नापने के लिए बनाया गया है. कंसिस्टेंसी का संबंध रिलायबिलिटी से है, क्योंकि हम जानते हैं रिलायबल होने का मतलब कि हमारे स्कोर्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसमें इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो हम इसको ईजिली एडमिनिस्टर है ये कह सकते हैं आप. सब्जेक्ट मास्टरी, इसमें चेक किया जाता है कि आपको सब्जेक्ट पर कितनी मास्टरी हो गई है. एंड मैनेज लोकली, यानी कि कोई भी क्लासरूम टीचर इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है लोकल लेवल पे, कोई नेशनल लेवल की जरूरत नहीं है. अच्छा, नॉर्म रेफरेंस शुरू करने से पहले हम आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दें, आप समझ जाएंगे. जैसे मान लीजिए हम लोग जो नॉर्मल एग्जामिनेशन देते हैं, है ना, एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, उसमें होता है हमको कि 100 में 33 नंबर हमारे पास हैं, कि मतलब 33 नंबर हम अगर सिक्योर कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, 33 से कम सिक्योर करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे. यानी कि ये 33 क्या है? क्राइटेरिया है, जो कि क्या है?
प्री डिटरमाइंड है, जो कि क्या है कि दूसरे स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर हमने 34 नंबर सिक्योर किया है तो हर हाल में हम पास हैं, दूसरा 90 करे 99 करे उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये और क्या चेक करने के लिए, मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज की, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL के लिए है कि हमने इतना अगर हमको आता है तो हमको पास कर दिया जाएगा। अगर हम 33 पे हैं हम बेसिक हैं, अगर हम 60 पे हैं हम प्रोफिशियंट हैं, अगर हम 80-90 पे हैं हम एडवांस्ड है, ये मतलब है। यानी कि यहाँ जो क्राइटेरिया है वो स्टैंडर्ड जो है वो प्री डिटरमाइन है, हमको क्लास एग्जामिनेशन के बाद नहीं पता चलेगा कि क्या कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ पहले निर्धारित होता है और नॉर्म में इसका उल्टा है। यहाँ पे कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं है और सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि बाकी स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करें, है ना। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट का वो प्रकार है दैट असेसेस द टेस्ट टेकर्स एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर टेस्ट टेकर्स। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट टेकर की एबिलिटी है उसको हम जज करते हैं, असेस करते हैं उसके अगेंस्ट, किसी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं, दूसरे बच्चे, दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर इट हेल्प्स डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द टेस्ट टेकर्स इन ए प्री डिफाइंड पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पोजीशन ऑफ टेस्ट टेकर है, जो स्थिति है स्टूडेंट की, वो एक पूर्व जो परिभाषित पॉपुलेशन के अगेंस्ट हमको टेस्ट करना है। देन नॉर्म रेफरेंस मींस दैट वी आर रेफरेंसिंग हाउ योर स्कोर कंपेयर्स टू अदर पीपल। नॉर्म का मतलब ही है कि हमको किसी नॉर्म, कोई नॉर्म मतलब एवरेज हमको दे रखा है उसके अगेंस्ट हमको कंपेयर करना है, यानी कि दूसरे पीपल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इट डज नॉट इंडिकेट वेदर और नॉट दे मेट और एक्सीड अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। इससे इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमने कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया को फुलफिल किया या नहीं किया, जो कि क्राइटेरिया में करते थे कि हम कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया को हमको फुलफिल करना होता था। Then, here an individual student's percentile rank describes their performance in comparison to the performance of students in the norm group. जिसके अगेंस्ट हमारा कंपैरिजन चलेगा उस ग्रुप को नॉर्म ग्रुप कहते हैं। तो हमारा परसेंटाइल रैंक ये बताता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे मान लीजिए हम 70th परसेंटाइल पे हैं, इसका मतलब हम 70% से बेहतर कर रहे हैं लेकिन 30% हमसे बेहतर कर रहे हैं। देन दीज टेस्ट रिपोर्ट वेदर टेस्ट टीयर्स टेकर्स होना चाहिए, सॉरी टेस्ट टेकर्स परफॉर्म्ड बेटर और वर्स देन हाइपोथेटिकली एवरेज स्टूडेंट विच इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग स्कोर्स अगेंस्ट द परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ऑफ ए स्टैटिस्टिकली सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स टिपिकली ऑफ द सेम एज और ग्रेड लेवल। इसका भी वही मतलब है, सेम एज और ग्रेड लेवल का मतलब क्या हो गया, प्री डिफाइंड पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकली सेलेक्टेड ग्रुप का क्या मतलब हो गया, नॉर्म ग्रुप। और हमको हाइपोथेटिकली एवरेज स्टूडेंट के अगेंस्ट हमको कंपीट करना है कि नॉर्मली जैसे हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो क्या होता है, हम एक हाइपोथेटिकली एवरेज मान के चलते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन बहुत कठिन आ जाता है तो कट ऑफ नीचे आ जाता है, एग्जामिनेशन बहुत इजी आ जाता है तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। यानी कि हम कैसा परफॉर्म करके आए ये डिपेंड नहीं करता, हम कहेंगे हमारे 100 में 80 आएंगे, हमें 80 सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर सरल है और बच्चे 90-95 सिक्योर कर रहे हैं तो हम नहीं कंपीट कर पाएंगे और हम नहीं कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे उस एग्जामिनेशन में। ये मतलब है नॉर्म रेफरेंस। Then, here scores are generally reported as percentile ranking. इसका देखिए दोनों का आपस में comparison भी, क्योंकि या तो आएगा कि criteria reference और norm reference test पे short notes, लेकिन ये आता है दोनों का comparison करिए तो दोनों चीजें साथ में करते चल रहे हैं। criteria reference जो है वो percentage में generally नापा जाता है और ये जो आपका norm reference है वो percentile में। They are usually based on some form of national standards, not locally determined standards or curricula, है ना, कि national standards हैं कि हमारा TET में इतना जाता है, CTET में इतना जाता है, NET में इतना जाता है, ये सब nationally determined स्टैंडर्ड्स हैं। जबकि क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस लोकल स्टैंडर्ड कि हम क्लासरूम में कर रहे हैं वो सब कुछ काम। देन टेस्ट क्वेश्चंस आर केयरफुली डिजाइन टू एक्सेंचुएट परफॉर्मेंस डिफरेंसेस अमंग टेस्ट टेकर्स नॉट टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड्स learned certain material or acquired specific skills and knowledge। यानी कि हमको स्पेसिफिक स्किल नॉलेज से मतलब नहीं है, अगर सारा ग्रुप बेकार परफॉर्म कर रहा है तो हम बेकार परफॉर्म करके भी जीत जाएंगे, इसका ये मतलब है। हमने कितना आता है इससे मतलब नहीं है, सब लोग कैसा कर रहे हैं, सब लोग खराब कर रहे हैं तो हम खराब कर रहे हैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब लोग अच्छा कर रहे हैं तो हमको अच्छा करना पड़ेगा। देन इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे दोनों के अंतर को। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने मैथ के एग्जाम में 90% नंबर उसके आए,
तो इसको दोनों तरीके से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर कट स्कोर 80% था, यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस्ड अगर है और कट स्कोर 80% हम मान के चले हैं, तो वो बच्चा क्या है, पास है। क्यों? क्योंकि उसके 90% आए, कट स्कोर से ऊपर उसके आए। लेकिन अगर एवरेज स्कोर 75% था उस एग्जामिनेशन का, तो क्या कहा जाएगा, तब भी उसने बढ़िया परफॉर्म किया, टॉप ऑफ द क्लास परफॉर्म किया, दिस इज नॉर्म रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। तो दोनों ही एक स्कोर से हम दोनों तरीके के इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन इफ एवरेज स्कोर वॉज 95%, मान लीजिए कि कट स्कोर तो 80% था, लेकिन अगर एवरेज स्कोर 95% था, तो क्या होगा कि उसने क्लास एवरेज स्कोर से बिलो परफॉर्मेंस किया है, जबकि क्राइटेरिया रेफरेंस का इंटरप्रिटेशन नहीं चेंज होगा, वो पास तो हो गई। क्यों? क्योंकि कट स्कोर 80% है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस का अंतर है। क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड प्री डिटरमाइंड है, पहले से सुनिश्चित है, आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, ये जांचना है। जबकि नॉर्म रेफरेंस्ड में कुछ भी पहले से सुनिश्चित नहीं है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज पॉपुलेशन कैसा रिएक्ट कर रही है, परफॉर्म कर रही है, नॉर्म आपका क्या चल रहा है। अगर आप नॉर्म से बेहतर कर रहे हैं तो आप टॉप मोस्ट पोजिशन पे हैं, नॉर्म से खराब कर रहे हैं तो आप कंपीट नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ स्कोर यहाँ बाद में सुनिश्चित होता है, परफॉर्मेंस कैसा है पॉपुलेशन का। ओके, तो जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, सैट टेट ये सब, सीटी टीटी सीटेट वगैरह, ये नॉर्म रेफरेंस हो जाएगा। आपका क्लासरूम और एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, सालाना एग्जाम, छमाही एग्जाम, तिमाही एग्जाम, ये सब क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस हो जाएगा। ओके, अब सालाना छमाही तिमाही नहीं बोला जाता है जनरली, हाफ ईयरली एनुअल है ना। चलिए, ओके, डन फ्रॉम माई साइड।